भाइयों, आज हम सभी यहाँ पे हिंदू भाई उल्लासनगर चौक पर उपस्थित हो गए। आज हमारा यहाँ पे जो जमा होने का मुख्य उद्देश्य था भाइयों, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री तमिलनाडु राज्य का मुख्यमंत्री, उसका ये नालायक बेटा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाला गद्दार आज वहाँ के मुख्यमंत्री का बेटा है। आज इसके बयान है वहाँ पर, आज वो अपने सभा में बोलता है कि मैं पूरे भारत से सनातन धर्म को खत्म करूँगा। सनातन धर्म को वो मलेरिया कोरोना से खत्म करता है। ये बोलता है कि मैं पूरे भारत से डेंगू मलेरिया कोरोना को जैसे खत्म किया गया था, वैसे मैं सनातन धर्म को खत्म करूँगा। तो मैं आज उल्लासनगर शहर के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि तेरी बेटा इतनी औकात नहीं है कि तू सनातनियों को खत्म करेगा। आज जिस राज्य में तू रहता है तेलंगाना में, वहाँ पे बहुसंख्यक समाज में हमारे हिंदू भाई हैं, और तू वहाँ पर रहकर तू तेरा बाप वहाँ पे मंत्रिमंडल में रहेंगे, वो आज ये घोषणा देता है कि सनातन धर्म को खत्म करेगा। इसका विरोध पूरे भारत में होगा और हमारे सभी हिंदू भाई सकल हिंदू समाज से, सड़क से, उल्लासनगर प्रशासन से, उल्लासनगर के पुलिस वाले भाइयों से, सेंटर के हमारे जो सीनियर साहब हैं उनसे, हमारा सभी भाइयों की तरफ से निवेदन है कि साहब इस तरीके के ऊपर, ट्रांसफॉर्म के ऊपर, इस देशद्रोही के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले। और सबसे पहले जो मंत्रिमंडल की जो सुखा दे और इसके बाप का मुख्यमंत्री पद, इसका निष्कासित होना चाहिए। ये अगर जल्द से नहीं होगा तो इसका विरोध सकल हिंदू समाज की तरफ से पूरे भारत में होगा, और इसकी जो भी वो प्रशासन को, भारत सरकार को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तेलंगाना और तमिलनाडु के गवर्नमेंट को ये खेलना पड़ेगा।